2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात चुनाव के बाद यह नारा सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि 27 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कोई दल रिकॉर्ड बनाए तो इसकी मिसाल आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। यह वातावरण जो इनू कहू छो कि आ वक्त गुजरात की जनता है नरेंद्र ना रेकॉर्ड तोड़ी ने भूपेन्द्र ना नवा रेकॉर्ड बनावनु नक्की कर दीधु। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेन्द्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया। मोदी, मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से जो मांगा जनता ने उन्हें दिल खोल कर दिया, जनता ने उन्हें निराश नहीं किया। मोदी ने जो बात प्रचार में कही वो सच साबित हो गई। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसे पार्टी के लिए प्रधानमंत्री ने पहले से ही लक्ष्य बना दिया था। 150 सीट के लक्ष्य के बीच 5 साल पहले ही नतीजों से पड़ गए थे, जब बीजेपी 100 का आंकड़ा छू नहीं पाई थी। उसे 99 सीट मिली जो बहुमत के आंकड़े 92 से ज्यादा तो थी, लेकिन 1995 के बाद सूबे में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस उसे सत्ता से बेदखल करते करते रह गई। उसके खाते में 78 सीटें आईं, जो गुजरात में 32 सालों में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद कई फैक्टर जिम्मेदार थे, जिसमें पहले नंबर पर था सियासी तौर पर प्रभावशाली जाति पाटीदारों की नाराजगी। तब पाटीदार आरक्षण आंदोलन चरम पर था। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर और तेज तरार दलित नेता जिग्नेश मेवाणी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इसके अलावा नए नए लागू किए गए जीएसटी की वजह से कारोबारियों में रोष था। प्रधानमंत्री ने पीएम ने तो बधु दिल्ली में अही तो अपना नरेंद्र भाई अने पछी बद्दा ने कहजो कि अपना नरेंद्र भाई सोजीत्रा आव्या था, एमने तमने बद्दा ने प्रणाम पाठव्या छे। बीजेपी ने 150 सीट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस को कमजोर किया, चुन चुन कर उसके नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। 2019 में ओबीसी चेहरे अल्पेश ठाकुर और फिर चुनाव से पहले हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करवाकर पार्टी ने अपना सियासी खतरा कम कर लिया। अल्पेश ठाकुर के अलावा बीजेपी कांग्रेस के अहम नेताओं को तोड़ने में कामयाब रही। 2017 के चुनाव के बाद कांग्रेस के कुंवर जी बवलिया, जवाहर चावड़ा, जीतू चौधरी, अक्षय पटेल, जेवी काकड़िया, प्रद्युम्न सिंह जडेजा, पुरुषोत्तम बाबरिया एक एक करके उसके कई विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में इस भगदड़ का असर ये हुआ कि बीजेपी 2022 में अपने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने में कामयाब रही। इसके अलावा जिस तरह से 2021 में मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया, उसने एंटी इनकम्बेंसी की हवा निकाल दी। विजय रूपाणी से इस्तीफा ले लिया गया, पाटीदार भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, सभी नए मंत्री बनाए गए, पाटीदारों को जगह दी गई, पुराने विधायकों का टिकट काट कर बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीट का ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसने चुनाव से पहले ही पार्टी को आत्मविश्वास से भर दिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।